माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीपक सालवी, सहायक आचार्य चित्रकला विभाग, राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा, भारतीय कला के इन ई व्याख्यानों की श्रृंखला में मैं आज एक नए अध्याय के साथ में एक नए अध्याय को प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका शीर्षक अजंता की कला है। पिछले ई व्याख्यानों में हम प्रागैतिहासिक कला से लेकर मौर्यकालीन जोगीमारा गुफा और विभिन्न प्रकार के साहित्यों में कला के संदर्भों के हमने अध्याय पढ़े हैं। अब जो नया अध्याय है वो है अजंता की कला। विद्यार्थियों, जैसा कि हमने बौद्ध धर्म के साहित्य में देखा है कि किस प्रकार से कला के संदर्भ हमें देखने को मिले हैं, उसी प्रकार हमें भारतीय कला के इतिहास में जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं, उन्होंने कला के क्षेत्र में, भारतीय कला के क्षेत्र में बहुत अभूतपूर्व कार्य किए हैं, जिनको हमें कला के विद्यार्थी होने के नाते समझना बहुत ही नितांत आवश्यक है। तो हम अजंता की कला के बारे में बात कर रहे हैं। अजंता की ये जो कलाएं हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से 102 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और जलगांव रेलवे स्टेशन जो है वहाँ से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये 30 गुफा मंदिर जो हैं, ये 30 गुफा मंदिर चट्टानों को काट के बनाए गए हैं, जैसा कि आप चित्रों में देख रहे हैं। और ये गुफाएं प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिकता के साथ में श्रृंगार से अभिभूत है और श्रृंगार, प्रकृति के श्रृंगार रस से छाई हुई है। और यह घाटी जो है सतपुड़ा से 7 कुंडों में गिरती हुई पहाड़ियों को काटती है, जो नदी है बागोरा नदी जिसको कहा गया है। तो इस नदी का जो घुमाव है, उस घुमाव का इस प्रकार से अर्धचंद्राकार जो आकार बनाया है, उसमें अर्धचंद्राकार आकार बना हुआ है नदी के कटाव से, और इसको देखकर ये गुफाएं बनाई गई है। और ये इसी कारण से प्रकृति के बीच में इन गुफाओं का निर्माण हुआ। तो बौद्ध भिक्षुओं ने इस जगह को इसलिए चुना क्योंकि बिल्कुल शांत है और प्राकृतिक परिवेश से पूर्णतया ये भरी हुई है, इसलिए बौद्ध भिक्षुओं ने इनको चित्रों के लिए अपना उपयुक्त स्थान चुना। और यहाँ पे बौद्ध गुफाओं में कुछ चैत्य और कुछ विहार बनाए हैं। तो जो चैत्य हैं उनको पूजा स्थल कहा जाता है, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु जो थे वो अपने धर्म में पूजा स्थल के रूप में, जैसा कि आज हम मंदिरों को देखते हैं, उसी प्रकार बौद्ध भिक्षु यहाँ पे पूजा उपासना करते थे, जिनको हम चैत्य कहते हैं। और विहार उनको कहते हैं जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते थे, अपना निवास स्थान था, उनको ये विहार कहते हैं। ये चीज़ समझना इसलिए ज़रूरी है कि आगे भी ये काम आएगी। तो ये अजंता की प्रत्येक गुफा है, उसमें मूर्तियों को काटकर, स्तंभों को काटकर चित्रकारी और दीवालों पर चित्रकारी की गई है। और अजंता की जो गुफाएं हैं, हम उन्हें वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला, तीनों कलाओं का
संगम कहें तो कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि हमें इन तीनों के परिप्रेक्ष्य, तीनों की चीज़ें देखने को मिलती है। और इन गुफाओं की जो बात कर रहे हैं, उनकी खोज 1819 में ब्रिटिश सेना के अफसर जो शिकार की तलाश में इधर से उधर घूम रहे थे, उनको 1819 में इन गुफाओं का पता चला। इसके पश्चात सन 1824 ईस्वी में लेफ्टिनेंट जेम्स ई अलेक्जेंडर ने इन गुफाओं को देखा और रॉयल सोसाइटी लंदन को इन गुफाओं के बारे में लिखा, इनके विवरण को प्रस्तुत किया। फिर 1943-1943 ईस्वी में जेम्स फर्गूसन ने 4 वर्षों तक इन गुफाओं का अध्ययन किया और रॉयल एसाइटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड में इन गुफाओं का विस्तृत परिचय और आलेख प्रस्तुत किए। फिर 1844 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने के आग्रह पर एक कुशल चित्रकार मेजर रॉबर्ट गिल ने अजंता के इन चित्रों की अनुकृतियाँ बनाई और उनको इंग्लैंड भेजा। इन अनुकृतियों को सीडी होम के क्रिस्टल पैलेस में प्रदर्शित किया गया, किंतु इसमें आग लग जाने के कारण ये सारी अनुकृतियाँ जो रॉबर्ट गिल ने बनाई थी वो सारी नष्ट हो गई। इसके पश्चात 1872 से 76 तक के मध्य सर जजे स्कूल ऑफ आर्ट जो मुंबई में स्थित है के प्राचार्य जो थे मिस्टर जॉन ग्रिफिथ महोदय ने और उनके शिष्यों ने यहाँ के चित्रों की कई अनुकृतियाँ बनाई जो दो पुस्तकों में इन अनुकृतियों को प्रकाशित किया गया। इसी समय इंडिया ऑफिस लंदन में फोटोग्राफ्स का सुंदर संग्रह भी जॉन बर्गेस द्वारा तैयार किया गया। ये चित्रकृतियाँ सन 1885 ईस्वी में विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम साउथ कैंसिंगटन में प्रदर्शित की गई, परंतु यहाँ पे भी ये चित्र दुर्भाग्यवश आग लगने से नष्ट हो गए। सन 1909 से 1911 के मध्य लेडी हैरिंगम भारत प्रवास में रही और उनके निर्देशन में सैयद अहमद, नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दार, वेंकटप्पा आदि भारतीय कलाकारों ने इन अजंता के गुफाओं की अनुकृतियां तैयार की जो 1915 में लंदन में प्रकाशित हुई। और सन 1954 ईस्वी में यूनेस्को के द्वारा भी न्यूयॉर्क से अजंता के रंगीन चित्रों का एक संग्रह पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स के नाम से प्रकाशित हुआ। तो इन चित्रों के बारे में जो विवरण प्रस्तुत किए जा सके उनके बारे में मैंने संक्षिप्त में विवरण दिया। चित्रों को तेज रोशनी और बचाव से भित्तियों पर जम रही जो मिट्टी है उसकी साफ सफाई, जो खराब हो रहे हैं चित्र उनको सुरक्षित करने के लिए, संवर्धन करने के लिए देश विदेश के जो पुरातत्वविद हैं, रसायन विज्ञ हैं वो आदि की उनकी की सेवाएं ली जा रही है, जिससे कि इन चित्रों को हम संरक्षित कर पाएँ और इन चित्रों की आभा न खोए। इसलिए हम जागरूक नागरिक या जागरूक कला के विद्यार्थी होने के नाते हम इन चित्रों को सजा कर रखें। और ये जो चित्र हैं, इन चित्रों की जो भित्ति चित्रण विधि के बारे में बात करेंगे। ये जो चित्र हैं इनके भित्ति चित्रों का निर्माण करने की विधि क्या रही इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। कि ये जो गुफा मंदिर है वो अपनी जो प्राचीन जो परंपराएं रही हैं भित्ति चित्रण की, उस परंपरा को थोड़ा आगे बढ़ा के उसमें और विकसित प्रारूप का निर्माण किया। और अजंता के ये जो चित्र हैं इनको धरातल तैयार जो करते थे दीवालों पर, उनको प्लास्टिक की जो परत है उसको, प्लास्टर की जो परत है उसको खड़िया, चूना, गोबर आदि का बारीक घारा खुरदरी दीवार पर लगा दिया जाता था। और इस मिश्रण को कई दिनों तक अलसी का जो तेल होता था उस पर इसको छटक दिया जाता था इस मिश्रण पे। और कहीं कहीं ये गारे में धान की भूसी, जो आज भी हम देखने को मिलते हैं, गारे में धान की भूसी को मिलाकर इसके ऊपर लगाया जाता था। यह परत लगभग 1 इंच मोटी होती थी और इसके ऊपर अंडा जो है, अंडे का जो छिलका होता है, इतनी
ऊपर एक छोटी सी बारीक सी परत प्लास्टर की चढ़ा दी जाती थी। तो इस प्रकार गुफा प्रत्येक गुफा को प्लास्टर से ओपा जाता था। इसके पश्चात चित्रण कार्य किया जाता था। इन गुफा इससे गुफाओं की जो खुरदरी सतहें जो थी उनको भरकर चित्र बनाए जाते थे और गोंद में मिले खनिज रंगों को इनमें प्रयोग कर दिए किए जाते थे। और लेडी हरिंगम के अनुसार सफेद प्लास्टर पर पूर्ण विवरण सहित लाल रेखांकन करने के पश्चात एक दो पतले रंग टेरावर्ट खनिज के रंग से कहीं कहीं जीने रंग की लाल परतें बना दी जाती थी और उसमें स्थानीय रंग भर दिए जाते थे। बाद में काले तथा भूरे रंग से निश्चित सीमाएं रेखाएं बनाकर फिर आकारों में रंग भरे जाते थे। अब इसमें देखते हैं कि अजंता के भित्ति चित्रों के रंगों के बारे में बात करें कि यहाँ पे मूलतः खनिज रंगों का ही प्रयोग हुआ है और लगभग लगभग अधिकांशतः खनिज रंगों और स्थानीय रंगों का ही प्रयोग किया गया है। ताकि खनिज रंगों का प्रयोग इसलिए कि ये चूने के क्षारीय प्रभाव से अपना निजित्व जो होता है रंग का गुण होता है वो ना छोड़े। रंगों में मुख्यतः सफ़ेद लाल पीला और विभिन्न भूरे रंगों का प्रयोग दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त लेपिस लाजुली जो नीला रंग होता है लेपिस लाजुली और गंदे हरे सब्ज टेरावर्ट जो रंग है ये इन रंगों का प्रयोग किया जाता था। और सफ़ेद रंग जो है वो अपारदर्शित होता था और चूने या खड़िया से बनाया जाता था। और हरा रंग जो है वो स्थानीय पत्थर से बनाया जाता था। लेपिस लाजुली जो नीला रंग है उसके बारे में बात करें तो ये फारस से आयात किया गया था उस वक्त। और बाकी के दूसरे रंग जो हैं वो स्थानीय हैं। इनकी गुफाओं के रचनाकाल व निर्माण के बारे में बात करें तो इन गुफाओं का निर्माण कोई एक साथ में नहीं हुआ। ये विभिन्न विभिन्न कालों के अंतराल में इन गुफाओं का निर्माण हुआ, धीरे धीरे निर्माण हुआ। और ये 30 गुफाएं हैं आज की तारीख में। पहले 29 गुफाएं थी लेकिन अभी एक कुछ ही सालों में भी एक गुफा का पता चला है जिसका नाम 15 अ रखा गया है। और इन गुफाओं के अध्ययन करने की दृष्टि से विद्वानों ने इन गुफाओं की गणना जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर की है। इन गुफाओं में 9वीं 10वीं 19वीं 26वीं और 30वीं जो गुफाएं वो चैत्य है जहाँ पे पूजा की जाती थी। शेष गुफाएं जो है बौद्ध भिक्षुओं अथवा साधुओं के रहने का स्थान थी अथवा अर्थात ये गुफाएं विहार है। कुछ वर्षों की तुलना में यहाँ पे वर्तमान में इन गुफाओं तक पहुँचना आसान हो गया है और इन उत्खनित गुफाओं को देखने से पता चलता है कि इन गुफाओं को ऊपर से नीचे की ओर खोदा गया है। सबसे पहले खिड़कियाँ बनाई गई, फिर छतें बनाई गई, फिर खंभे बनाए गए, फिर भित्तियाँ बनाई गई और बिल्कुल फिर अंत में मुख्य द्वार का निर्माण होता था। ऐसा प्रतीत होता है कि चित्रों के निर्माण में गुफाओं के निर्माण के साथ ही चित्रों का निर्माण होता गया। यहाँ पर अधिकांश चित्र चालुक्य राजाओं तथा बरार के वाकाटक राजाओं, याद रखने की बात है, बरार के वाकाटक राजाओं के समय बनाए गए। और 16वीं गुफा के लेख से पता चलता है कि ये शैव धर्म से ये जो बरार के राजा हैं चालुक्य राजा हैं शैव धर्म से संबंधित थे किंतु वे बौद्ध धर्म के विरोधी भी नहीं थे। अर्थात सर्वधर्म की बात कर रहे हैं तो वो इनमें थी। और जो गुफाओं में चित्रकारी हुई है उनके कालक्रम को लेकर अधिकांश विद्वान एकमत है जो कि इस प्रकार है। गुफा संख्या 9 और 10 जो है वो 200 से 300 ईसा पूर्व बनाई गई थी। गुफा संख्या 16 17 और 8 और 10 गुफा संख्या 16 17 8 और 10 के स्तंभ जो बनाए गए थे वो 350 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के मध्य बनाए गए। गुफा संख्या 4, 6, 11 और 15 लगभग इसी काल में चित्रित हैं किंतु उनमें हमको चित्र देखने को नहीं मिलते हैं। गुफा संख्या 1 और 2 सबसे प्राचीन मानी गई है जो कि 500 से 628 30 ईसा पूर्व के मध्य बनी थी। तो प्रिय विद्यार्थियों ये हम अजंता कला के संक्षिप्त परिचय और
अजंता कला के बारे में हमने पढ़ा सुना, और आशा करता हूँ कि इन व्याख्यानों के माध्यम से आप भारतीय कला की इन इस यात्रा में निरंतर साथ रहें और इन व्याख्यानों को और मेरे द्वारा बनाए गए जो आपने जो नोट्स बनाए हैं, आपने जो लिखे हैं, मैंने जो बनाए हैं, वो आपने समझे हैं। यदि किसी विद्यार्थी को अगर कोई समस्या है तो आप निश्चित रूप से मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। इसी आशाओं के साथ में शुभकामनाएं, धन्यवाद।